हमारा कांग्रेस का ग्रुप, हम लोग सब साथ अभी मिल के आए हैं पूरे चुनाव आयोग से। हमने उनके समक्ष एक बहुत गंभीर मुद्दा रखा है। बड़े स्पष्ट रूप से ऐसे इश्तिहार निकाले जा रहे हैं जिसमें बहुत ही गलत चीज़ें लिखी गई हैं, हाईली ऑब्जेक्शनेबल, खूनी शब्द का प्रयोग किया गया है, आपसी वैमनस्य फैलाने वाले, समुदायों को विभाजन करने वाले वक्तव्य दिए गए हैं कर्नाटक में। ये सिर्फ इसलिए किया गया है कि इस आधार पे वोट लिए जाएं। हमने बताया चुनाव आयोग को कि ये सिर्फ आचार संहिता का ही बहुत घोर उल्लंघन नहीं है, वो तो है ही, निश्चित रूप से है, और हमने उनके समक्ष इश्तिहार रखे, हमारा रिप्रेजेंटेशन रखा। लेकिन इस बार बड़े स्पष्ट रूप से इंडियन पीनल कोड और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के वो प्रावधान जिनके अंदर ये फौजदारी मुकदमे बनते हैं, ये फौजदारी कानून का उल्लंघन करते हैं, उन प्रावधानों से भी चुनाव आयोग को अवगत करवाया। तो ये सिर्फ मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन नहीं है, ये क्रिमिनल एक्ट है, और हम निश्चित रूप से प्रादेशिक स्तर पे हमारे पीसीसी के जरिए इसके विषय में भी कंप्लेंट, प्राइवेट कंप्लेंट, एफआईआर करवाएंगे, क्योंकि इस प्रकार की छूट के आधार पे ये बोला नहीं जा सकता। और अब चुनाव में बहुत कम समय बचा है, इसलिए उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है। चुनाव आयोग ने के सामने जो रखा गया कि जिस तरह के विज्ञापन वहाँ के अखबारों में दिया जा रहा है और टेलीविज़न में दिया जा रहे हैं, वो इस तरह के विज्ञापन है कि बिल्कुल जो है कानून का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। आपने देखा होगा कि राहुल जी और सिद्धरमैया की तस्वीर लगा के उन्हें हत्यारा कहना, जिस तरह से उसमें ये सांप्रदायिक आधार पर अल्पसंख्यकों का जिक्र करके वोट मांगने की कोशिश हो रही है, जिस तरह से कांग्रेस लीडरशिप को इस तरह से बताया जा रहा है कि जैसे वो हत्यारे हैं, जैसे वो जो है पूरी तरह से अपराधी है, तो इन सारी चीज़ों पे चुनाव आयोग की जो हमारा डेलीगेशन मिला डॉक्टर अभिषेक सिंह जी, प्रमोद तिवारी जी और हमारे साथी सहयोगियों के साथ, तो उसमें उनसे यही अनुरोध किया कि आप जो इसका तत्काल कन्नड़ के अखबार मंगाएं, वहाँ से वहाँ के टेलीविज़न की क्लिपिंग्स मंगवाएं और उसको पहले तो तुरंत रुकवाएं, क्योंकि इससे जो है लोगों में गलत संदेश जा रहा है और जो वोटर को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। तो चुनाव आयोग ने कहा है कि वो तुरंत उसका कॉग्निजेंस लेंगे और इस पर विचार विमर्श करके जो भी कार्रवाई उचित होगी वो करेंगे। जिस भारतीय जनता पार्टी का जन्म ही सांप्रदायिकता पे हुआ हो, उससे हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हम जिस विज्ञापन पर आए हैं वो विज्ञापन, जैसा हमारे सीनियर ने कहा है, क्लियर वायलेशन है। आप दूसरे दल के नेताओं पर, जिसपे संवैधानिक पद पर बैठे हुए नेता हैं, उनको आप खूनी कहें, देशभक्त का मर्डरक कहें, जो कह रहे हैं, ये सिर्फ आखिरी सप्ताह में भारतीय जनता पार्टी दीवार पर लिखी हुई अपनी हार की इबारत पढ़कर चुनाव को, चुनाव के आखिरी 5-6 दिनों को पूरी तरह सांप्रदायिक बनाकर, और सांप्रदायिक ही नहीं आपराधिक बनाकर वातावरण विषाक्त करने के लिए किया गया है। और हमें खुशी है कि निर्वाचन आयोग ने उसे बहुत ही गंभीरता से लिया है और कार्रवाई सुनिश्चित करने का हमें आश्वासन दिया है। इस तरह आपने भी पहले कभी दूसरे दल के नेताओं की फोटो अपने विज्ञापन में लगाकर इस तरह की शब्दावली का प्रयोग, मैं कहता हूं, कभी दिखा नहीं है भारत की राजनीति में।